सबसे जो बढ़िया है भागवत में बताया बोले मथुरा मथुरा मृतक मंगल मंगला नाम सकल निगम बलि सत्फल चित स्वरूपम कर जगत में सबसे जो मधुर है जगत में सबसे जो मीठा है जगत में सबसे जो मंगलदायक है भगवान का नाम है। इससे मंगल जगत में कुछ हो ही नहीं। अगर ये साल का पहला दिन अगर भगवान के नाम से जीते हैं ना देखना पूरा तुम्हारी साल मंगल मंगल में। इसलिए बोले मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का जो नाम है जीवन का सारे अमंगल को दूर कर देता है जीवन में है। एक समय ये साइंटिस्ट इवन रिसर्च किया है बोले भैया क्यों कहते हैं भगवान का नाम मधुर मधुर है और शंकर जी को देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जय जप तमहेशा काशी मुकति है तो उपदेशा। शंकर जी बोले पंचमुख राम नाम गांध त्रिपुरारी शंकर जी पंचमुख में हर समय ये हरे कृष्ण बोलो सबके साथ हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। इसलिए शंकर जी ये पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। अब हनुमान जी को देखो बोले सो मेरी पवन सुत पावननामो आपन ब सकरे राखे राम। इसलिए हनुमान जी को देखो हर समय क्या करते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसलिए श्री हनुमान जी भी सारा दिन भगवान का नाम जप करते हैं और नाम जप करते करते आपन बस करे राखे राम भगवान को बसीभूत करते हैं हनुमान केवल भगवान के नाम जप करते करते। कहते श्री गणेश जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले माही माजा सो जान गन राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। देखना सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं क्यों कारण क्या गणेश जी सबसे पहले कहते ना विघ्न विनाशन श्री गणेश जी है सारे विघ्न को दूर करते हैं। बोले भैया कहाँ से सारे विघ्न को दूर करते कहाँ से ये शक्ति मिली गोस्वामी जी कहते हैं महिमा चासु जान गन राओ। इसलिए श्री गणेश जी केवल भगवान के नाम के प्रभाव से जगत का सारे अमंगल को ये दूर करते हैं और सबसे पहले इनकी पूजा होती है। कहते भैया मैया देवी को हम इतना क्यों पूजा करते हैं घर घर में माता देवी को इतना पूजा क्यों करते हैं। एक दिन एक समय माता देवी शंकर जी से प्रश्न करती है बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए। शंकर जी कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। मैया पार्वती बड़ी सुंदरी थी हैं मृगनयन बड़ी सुंदरी मैया पार्वती कहते हे सुंदरी पार्वती जो भगवान का जो राम का नाम है बड़ा मीठा नाम है बोले सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। अगर कोई 1000 विष्णु का नाम जप करे जो उसको फल प्राप्ति होगा एक बार श्री राम का एक बार श्री
राम का नाम लेने पर वही फल प्राप्त होगा। तब से माता पार्वती क्या करती हैं, अब देखना माता पार्वती की आठ हाथों में एक हाथ में देखोगे कि माला है। मैया पार्वती भी दिन भर प्रभु के नाम जप करती हैं। अब सरस्वती को देखना, उनकी चार हाथ में देखना एक माला है। अब ब्रह्मा जी को देखना, उसका भी चार हाथ में देखोगे कि माला है, एक माला है। समझो ये विश्व ब्रह्मांड जो चल रहा है वो भगवान की नाम की प्रभाव से, ये विश्व ब्रह्मांड केवल भगवत नाम की प्रभाव से दुनिया चलता है। इसलिए एक भजन हिंदी में है, उसमें कहते भैया ये माला को कौन जप कर सकता है, ये माला कौन जप कर सकता है, बोले सब नहीं जप कर सकते हैं, बोले कौन जप कर सकता है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अब समझ रहे हैं, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोले जिसकी दिल बहुत बड़ा है ना वही भगवत नाम को वही जप कर सकते, सब नहीं जप कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग सोचते हैं ना, अरे गला में अगर कंठी पहन लिया, अगर कोई तिलक लगा दिया, तो क्या तुम बाबा जी हो गए हो, कहते तो क्या साधु हो गए हो, ये गले में क्या कंठी माला और क्या भगवान की माला क्या जप कर रहे हो, क्या तुमने साधु हो गए हो। कभी कभी हम सोचते हैं ना, लोग हमें इंसल्ट करेंगे, क्या कंठी माला तिलक तुमने पहन लिया। इसलिए यहाँ पर कहते भैया राम नाम की माला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोले माला जपी थी पार्वती माने मिल गया डंबरु वाला जपेगा कोई दिल वाला। कहते माता पार्वती ने ये माला जप करती, इसलिए तो उनको कौन मिल गया, बोले डंबरु वाला कौन है, श्री शंकर जी मिले। बोले माला जपी थी जसोदा माने मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला। इसलिए भगवत नाम को, सब भगवत नाम को जप नहीं कर सकते हैं, जिसका दिल बहुत बड़ा है वही भजन कर सकते हैं, वही भगवान की माला को वही जप कर सकते हैं, सब भगवत माला को सभी जप नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो सब के सोरे और ध्यान चैंटिंग, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 लाखी, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए साल की शुरुआत है, अगर प्रभु का नाम से अगर शुरुआत करोगे ना, देखना पूरा साल तुम्हारी बढ़िया बढ़िया एकदम चकाचक आनंद आनंद जाएगा, ठीक है ना। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे, ताली बजाते हुए देखो, ताली बजाते क्योंकि ताली बजाने पर जो भाग्य रेखा बदल जाती है, अगर उल्टा पुलटा कुछ हो ना एक साल में, अगर कोई उल्टा पुलटा अगर तुम्हारे लाइफ इफ सम रंग योर लाइफ इफ यू चैंटिंग होली नाम क्लैपिंग देन योर ऑल रंग लाइफ बिकम ओके, सो एवरीबॉडी चैंटिंग आल्सो क्लैपिंग, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
Secondly, I also pay my unlimited dandavats to the lotus feet of Om Vishnupada Asatrasata Sisimad Bhaktivedanta Bhadmaraj, and also to the divine lotus feet of Om Vishnupada Asatrasata Sisimad Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, who is mercifully present here, and also to the divine lotus feet of Nichalila Paramahamsa Brihacharya Asatrasata Sisimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. To all the gurus in our Rupa Rupa Rupa, to all the Vaishnavas, Vaishnavas, and also my pranam to all the respected guests who came here today, the first day of 2019, to start the year in a very auspicious way. Yesterday, we have celebrated a new year. And this new year, if you see around you, you will see that people are actually wanting to have this happiness, gelukkig New Year. That is what we actually wish for each other. To be happy. To be the day that every day will be auspicious for us. That is how we start our year. For each other, to be happy. The thing is that if you see the dealings, because the words are coming off our mouth, but our dealings, how we actually try to get this happiness, this auspiciousness, this shant, is actually totally against that, what we are actually saying. If you see around us yesterday, everyone was drunk, was doing actually very things what totally is nothing to do with happiness. It's actually trying to open the gate of the lower planets, Narak. But we want to become happy. But we are doing different things. What is actually nothing to do with it. That's why we are living in a life, in a year, and we are trying to start in a good way. But we see that also many tears and many obstacles are coming in our life.
And we cannot understand why is happening. What is happening? Why this certain events are happening in my life? Because I want happiness. I'm searching for happiness, but I'm getting also sadness. That is because we don't know how to live our life, where auspiciousness is truly our goal. The Bhagavad Gita is explaining, Sri Krishna is coming from Golok Vrindavan to this earth planet to show us what real happiness is about. That real happiness has to do everything when we put Him central in our life. When we turn our backs to the Lord, then inauspiciousness is coming in our life. Problems are coming in our life. Growth, jealousy, everything is coming in my heart. Because everything is considered of me, myself, and I. How can I become happy? How everything is enjoyable for my senses? And how can I be more prominent for everyone? That's the deal of this Kali Yuga, this material world. But Krishna is showing, no, try to connect everything to me. That is what he's saying. And when we try to learn this path of bhakti, how we have to implement and how we have to have a lifestyle where auspiciousness and happiness is waiting for us, then we are actually starting to understand what is life about. That's why it is said, Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuru Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. We have been born in a deep dwellness of darkness, without any knowledge what this world is about, how to become happy, how to become really true human beings. That's why Chaksu, the sadhus are coming, Sri Krishna is coming. Yes, to open our eyes with a torchlight of knowledge, of Gyan. That's why we are praying and we are offering pranam unto Sri Guru. We start with this mantra always. Remember that actually, what are we doing actually? What kind of knowledge and what kind of consciousness I have now? And how, what kind of dealings I'm doing in my life? We have to correct ourselves if we want change. There was one quote, does anyone wants change? Everyone puts his hands up. Yes. But then the second question came, do you want to change? Oh, no. You see? Everyone wants something to change in their life. But if it comes to ourselves, we don't want to change. Because our habits are the same. I want to continue with my dealings and how I do. You see, that's the problem. That's why Sri Krishna has given us a part of self-realization. Self-realization, what is only focused on myself. Because that's why we are chanting with this finger out of the big bag. Because this is pointing off towards everyone. But three fingers are showing to me. How can I change my life in a better way? How can I change in a way that everyone has got also the benefit of it? My surrounding, my family, and everyone who is actually associated with me. How can I be that person that if one comes to contact with me, this person will get a good association? You see? But for that, we have to know what is the qualities. What is the qualities what we have to have? What we have to wish for the new year? It has everything to do with Vaishnavism, actually. Vaishnavism is the one who is
surrendering himself unto Vishnu, unto Krishna, unto Narayan. You see, that is Vaishnavism. Yeah? But actually, this surrenderness has got different limbs. And we have to know what is surrenderness. It is said, anukul. Anukul means everything what is favorable for me. For me, what is favorable? What is favorable for me to establish my relationship with the Lord? I have to embrace. What is not good for me? What is not good for me? Everything what is a big obstacle to my relationship with the Lord, I have to reject. That is the first two things what is necessary. When we do not do this, when we don't organize our life, what I'm doing daily, what is favorable for my relationship with the Lord, and what I'm doing, what is actually totally abominable. You see, it's very personal actually. You can take it very personal. So that is what it starts. If we do not, if we are not conscious of these dealings, then we're just doing something. We are just doing something and we are hoping that it will come. So one way I will reach the Lord, but it's not going, never going to happen. Many, many, many hundred thousands of lifetimes you can go. But if you do not apply this kind of dealings in our life, the Lord will not take us seriously. You see, it's a commitment. If you have a relationship with someone, if you start a relationship with someone, there has to be some commitment, some exclusive commitment. It's normal. We expect that from our partner, from everyone. But the Lord is where sambandha relationship is coming from. Can you imagine that he is also very strict in his commitment? Who is willing to commit with me? Who is willing for me, for my sake, to give up every other things what is actually not related to me? Who can do that? Then his darshan will come to us. Oh, that is someone, this soul is really serious now. And then what will he do? Rakshasi Viswasu. He will protect us in everything. Sarva dharma paritya maam ekam saram raja aham tum sarva paapibhyo mokseti maa suchaha. If you surrender unto me, Arjun, everyone, then I will protect you from all the calamities. From all your paap, all your sinful activities, I will destroy everything for you. Have faith in me. Have faith in my words. I'm the most powerful personality. In every creation, I am the personality. If I can say so, my words are always true. If you just surrender, Arjun, you just surrender unto me, and you will see how I can protect you in every way. You see? So we have to know what is Atmanishepati, what is surrenderness. Surrenderness is very important because that is everything to do how serious we take the Lord, who is always situated in our heart, who never lets have, not to the, till the day 2019, he never let us go in his, from his side, because he's always there as the Paramatma in our heart. He's always watching it. Now he's also watching. What is going on in your heart? I'm telling something. What is going in your heart? The Lord is very nearby. And he's seeing how sincere you are. And then from there, he's giving kripa. And what is this kripa? Giving sadhu sangha. Giving that association that is the root cause to create, to get devotion for him. Krishna bhakti janma mula hai sadhu sangha. The root cause
Krishna prem. To get love for Krishna, devotion in the highest degree, is to associate with that person who also got the same love for him. From him, we have to learn. Sadhanuti sadhyati cha Krishna prem iti sadhu. The one who is very expert in doing his sadhana, daily practices, and who knows what is his sadhya, the ultimate goal, because that is also important. Some people can do his sadhana but doesn't know their ultimate goal. But he knows his sadhya, what is that? Krishna prem. From that kind of sadhu, iti sadhu, that is the definition, one of the definitions of a sadhu we have to hear. We have to learn and we have to apply. That's why it is also said many things, ways the scriptures are showing us how to enter in this path of bhakti. Utsahat, nishyat, dharyat, tat tat karma pravartana, sangatyak sato vritti, sabdiya bhaktir, vinashati. It is said that we have to be very enthusiastic. Don't let this enthusiastic feeling that you are that you came on this path of bhakti, you got so much knowledge, go in waste. Try to have this enthusiastic to come to samsara. Although maybe our mind is telling, oh, I'm too lazy today, or I'm too busy with other things. No, there is no reason that we cannot come to sadhu sangha. One day, sadhus are coming, actually Krishna is coming in our life. That is the sign that Krishna is entering in our life. You can imagine when Krishna is coming to us and we say, oh Krishna, I don't have time today. Too much business, I have to do this, I have to do that. Maybe next year. Can you do that to Krishna? No. He will not come in our life anymore. But the sadhus are more merciful. What is the reason why he is not coming in our vision? Why is Krishna not coming in our vision? Because we have this neglected attitude towards him. When we want to do something, when we don't, we actually turn our back. But the sadhus are more merciful than Krishna himself. That's why he's sending his sadhu. Because the sadhu is dealing. If you come to his lecture, it's good. If you do not come, it's also good. But the next day when you come, he will still give you the gratitude, mercy. That is karunaka. That is the merciful behavior of a sadhu. He always wants to give mercy to everyone. So all this fallen soul can come back to his father, to real father. That's why we start this seminar every year. This year with a masterclass. Now several years we are doing that. Because this is the start of our year. The Western year, because in Vedic system there's a different day, which is New Year's begin, but okay, we are living in the West. So okay, this is our beginning of a year. But anyhow, now we have to start, leave everything behind us. What we have done, what kind of things, abominable things that we did, all this sadness and obstacles, let it be for what it is. We are getting a new day, a new year. For what? To surrender, or the opportunity to surrender. How many years will we get? Who can tell me? Maybe this is my last year. Who can tell me? Maybe it's my last day. Maybe my last hour. Who can tell? That is consciousness. If you know about this, that my life can end anytime, then we have to be very serious. This year is not there, Surya is not coming up to enjoy in this material world. Because that is what all these hawks and dogs and every animal is doing. We've gotten human life with our buddhi, with our intelligence, to surrender unto him. This opportunity. And this, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj told, don't think you come in this path and think, oh, now I will get guaranteed that next life I will get a human birth. Don't think that. Because you're coming on this path
Krishna is giving you everything, but you are not taking it seriously. Many, many lifetime Baba, maybe you have to go in different species. You know, hundreds, thousands of lifetimes, you will get this opportunity to get Saru Sarga. It's not easy. You see? Because if the Lord is showing mercy and you're neglecting, then he feels more neglected. You see? That's why. Be serious. Take this year as a year where I can advance in my spiritual life. Everything is secondary, actually. How can I take this opportunity to advance in the spiritual life? That has to be our main ambition. And you will see, if you make advance in your spiritual life, everything Krishna is arranging for you. Krishna is arranging automatically for you. But you have to have faith in him. Have to have strong faith in him. Like he's in his words. That's why I'm praying today that this year will be a very good year for us and everyone. And that this year, Krishna may shower his mercy continuously towards us. Guide us. That the sadhus will come as often as possible to give us and show us the way. And that end of the year, maybe I can be more in progression than where I'm standing now. Let it be the ambition for this year, and let it be the most important agenda in our points in our agenda. If we do that, we will see how happy, how auspicious, and how many good things will come in our life. That is the formula. So I thank you all for coming, and I want to hear today also from my Siksha Gurudev, who is also the reason I'm standing here. I told this many times, that because my Siksha, my beloved Guru Maharaj, he gave me the instruction, personal instruction, to start this kind of seminars, to start preaching. Although I didn't want to, I felt that I was not qualified. Still, he grabbed my hand and he put me here. And because of him, I came to know you all. So that's why I'm feeling very gratitude is coming in my heart when I'm seeing Maharaj every time coming to preach here. Because of his mercy, you all came. I truly, this is truth. His mercy, his instruction, I just follow. And I'm feeling always protected when Maharaj is coming. When I just follow his instruction, everything is very good. When I neglect his instruction, many other things will come in my life. I have experienced this personally. What is Maharaj saying from his mouth? What he's wishing? Everything is coming true. That's the power of a Vaishnava. You see? And how we can come to Krishna Loka? I'm telling you one secret. One big secret. When Vaishnavas are leaving this world, he is always thinking of his dear disciples. You see? And because of this, all the disciples who are still in this material world, he always tries to send all the Vaishnavas to get him where he is. When we don't have any sambandha with him, when he goes to Aprakat, he will also forget us. That's why Sadhu Sangha is not only hearing, it's trying to have a relationship. Because he's got the key of the spiritual world. And better you come become good friends with him. Because then he will always never leave us. And always will guide us. Try to understand this very secret. That the sadhu is not only there to speak nice words. He's got the key in his hands for the spiritual world. So try to be always connected with him. One chakam patro his chakipas in the world. Patita na kaare ju, vishan ju, moya. Om Adhyanita Miram Thasya Gyanan Jana Salakaya
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधाकरावचितपल्लवल्लरिते राधापदाङ्गविलस मधुरास्थलिके राधाङ्गजसमुखं खङ्गाङ्गबलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ईश्वर आप बोलो आप मैं सुनूंगा आप बोलो गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आप लोग आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर से ना ये नया साल के लिए आपको हम सबके सब आपका हम स्वागत करते हैं। देखो हम लोग बड़ी इंतजार करते हैं साल में कब एक नया साल आएगा। एक साल से हम इंतजार करते हैं। जब नया साल आए हम लोग बड़े धूमधाम से उत्सव भी मनाते हैं, हैं? लेकिन जो हैप्पी न्यू ईयर से जो आता है आती है दुलभैया ये बताओ कौन सा नया साल तो आ गई लेकिन हमारा जीवन में भी क्या कोई परिवर्तन है? क्या हमें कोई नई कार मिला है? ना हमें कोई नई घर मिला है, ना हमारे कोई नया दुकान ना नया मकान हुआ है। लेकिन रोज जो खाते थे वही खा रहे, जिस घर में रहते थे उसी घर में रह रहे हैं, जो करते थे वही करते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं वो रोज उसी दिशा में उदय हो रहे हैं। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं रोज अस्त हो रहे हैं। अभी प्रश्न है फिर भैया हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर से भैया कौन सा न्यू ईयर से और हमारा जीवन में क्या नया चीज आई है? कोई चीज आई है? हाँ देखो ये जो हैप्पी न्यू ईयर से है कहते हैं जीव का एक स्वाभाविक एक नेचर है। क्या नेचर है? हर समय वो नया चीज को ढूंढता है। हर समय हम नई चीज को ढूंढते हैं नई चीज को ढूंढते हैं। बोले भैया क्यों नई चीज को ढूंढते हैं? कारण क्या है? बोले कारण ही हमारा जो मूल सोर्स है वो भगवान है कृष्ण है। जिसको वेद में बताया रस वैस रसम झवायाम लब्ध्वानंद भवती। कहते कृष्ण कौन है? बोले ये पूर्ण रस स्वरूप है जिसको वेद कहता है आनंदमय ब्रह्मा। जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप ये ब्रह्म है। इसलिए भागवत कहता है पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है। होने का नाते हम सबके सब भगवान की संतान है। संतान होने का नाते चूंकि भगवान आनंद स्वरूप है
भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, इसलिए हमारे नेचर में भी वही चीज विद्यमान है। इसलिए हर समय आनंद की खोज में, सुख की खोज में हर समय हम लगे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रश्न है, भैया हमें ये चीज क्यों नहीं मिलता है? इसलिए श्री ब्रह्म सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही सही ये ब्रह्म सूत्र शुरुआत होता है। कहते इसमें तीन वार आता है, बोले अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। बोले अतः मतलब क्या है? कहते हम जीवन में सबके सब सुख ढूंढते हैं, सबके सब जीवन में आनंद ही ढूंढते हैं, लेकिन वो आनंद भर क्यों नहीं मिलते हैं? बोले कारण है, जहां ढूंढने चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ करके हम उसको गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहे हैं। बोले कहां ढूंढ रहे हैं? बोले इसी संसार में, इसी माया में, इस संसार में ये आनंद को ढूंढ रहे हैं। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए, वहां पर सब हिप्पी बन गए थे, वो गंजा पी करके ड्रग्स लेकर के पागल होकर के पड़े रहते थे, हाँ? वो पड़े रहते थे और इनको सरकार किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था। एक साथ में किसी दुकान में जब नशा लेने का समय होता था, एक साथ में किसी दुकान में अटैक करते थे और मारपीट करके सारे पैसा पैसा लूट लेते थे और सरकार किसी तरह से उनको रोक नहीं पा रहा था, किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था। क्योंकि इसी दुनिया में हम जो आनंद ढूंढते हैं, देखना संसार में आनंद हम सबसे पहले कहाँ ढूंढते हैं? एक लड़का लड़की में और एक लड़की लड़का में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आनंद ढूंढता है इस जगत में। लेकिन ये शरीर टाटी पेशाब खून पी, इसमें अब अंदर में क्या चीज? और कुछ तो है ही नहीं, अंदर में ही टाटी पेशाब खून पी और कुछ तो है ही नहीं शरीर में। हम सबसे पहले इसी शरीर में आनंद ढूंढते हैं, इसलिए कहते हैं ना इसी जगत का आनंद कहाँ से शुरू होता है? आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में चक्कर काटते हैं, कोर्ट में चक्कर काटते हैं। इसलिए कहते हैं पत्नी पहले क्या लगती है? पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पहले ये चंद्रमुखी। कहते एक तो चंद्र आकाश में और एक चंद्र हमारे पास में, कुछ दिन बाद वो चंद्रमुखी बन जाती है सूर्यमुखी, फिर कुछ दिन बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर तो घट लड़ाई झगड़ा अशांति फिर शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इसी जगत में इसी शरीर से ही आनंद ढूंढते हैं, लेकिन ये शरीर तुम्हें आनंद दे नहीं सकता, क्योंकि टाटी पैसा खून पी की एक भंडारा इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए दो दिन बाद में फिर प्रेम नफरत हो जाती है, फिर क्रोध रूप में परिणत होता है, फिर जब ये शरीर से प्रेम नहीं हुआ फिर बोले पीने में, शायद शराब पीने में हमें आनंद मिलेगा, ड्रग्स लेने से हमें आनंद मिलेगा, फिर आनंद ढूंढते हैं ड्रग्स और शराब। ये अमेरिका में ये बात है, लास्ट में उससे भी शांति नहीं मिली, उससे भी शांति नहीं मिली, थोड़ी ये ड्रग्स शराब गंजा ये थोड़ी आनंद देगा। इसलिए जब श्री स्वामी महाराज अमेरिका में गए, उन्होंने ये सब चीज को उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने वहां पर पेड़ था केवल उसके वृक्षों के नीचे उन्होंने बैठी गए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, अरिकता में नहीं बोले। एक मजीरा था उनके हाथ में, केवल एक मजीरा था उनके हाथ में स्वामी महाराज की, केवल मजीरा को लेकर के वहीं पर बैठी करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब एवरीवन बोलो, सब कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna.
देखो हरि नाम में तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम, इसमें तीन नाम है। बोले हरे मतलब क्या है? बोले हर तीति हरे, भगवान का एक नाम हरि। हरि मतलब है जीवन में जितने हमारे दुख कष्ट क्लेश है, सारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि। कृष्ण क्री मतलब होता है हमारा मन बड़ा चंचल है, कहीं मन भटकता रहता है, मन स्थिर नहीं, अशांत मन है। लेकिन क्री उच्चारण करो, ये जो चंचल मन को जो खींच करके ले आए, जो भटकने नहीं दे, इसलिए क्री। असना मतलब होता है आनंद देना, ये चंचल मन को भटकते हुए मन को जो कंट्रोल करे और जीवन में हमें जो आनंद प्रदान करे। बोले राम मतलब क्या है? बोले सबका हृदय में जो रमण करता है और जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में हमें जो आराम दे, इसलिए इसमें तीन नाम है। अब ये हरि नाम को करो, देखो घर में अशांति अशांति दुख कष्ट है, किसी तरह से हम घर का दुख कष्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप बैठ करके थोड़ी सी घर में चिंतन करो, इधर उधर ज्योतिष पतिस पास में नहीं जाने का कोई जरूरत नहीं, जाकर घर में बैठो और हाथ में ताली बजाते हुए पूरा परिवार बैठ जाओ, बैठ करके हरि कीर्तन थोड़ा करना। देखना जितने बड़े से बड़े दुख कष्ट है, जितने बड़े से बड़े बीमारी है, जितने कुछ है, आप भगवान के नाम करके देखो। इसलिए शास्त्र ने बताया इससे बड़ा औषध कुछ नहीं, बोले भव औषध छत्र मनोभिरामा, कहते सबसे बड़ा दवा है भगवान की नाम रूपी दवा, सबसे बड़ा दवा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। महापुरुष स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्यों हमें पता नहीं भगवान का नाम और भगवान क्या है, हमें पता ही नहीं, इसलिए स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं। बोले भैया अगर मेरे नाम जप करोगे ना, तुमको सात चीज मिलेगी, मेरे नाम जप करने से सात सात चीज मिलेगी। बोले पहला चीज क्या मिलेगी? बोले चेत दर्पण मार्जन, तुम्हारे हृदय रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगी, एकदम निर्मल हो जाएगी। कपड़े में अगर मैला जम जाए साबुन थोड़ा से सर्फ से हम उसको साफ कर देते हैं, लेकिन हृदय रूपी जो दर्पण में जो मैला जम गई वो केवल भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही वो सारे मैला हमारे दूर होगा। इसलिए बोले चेतो दर्पण मार्जनम, बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव मतलब होता है होना, दावाग्नि मतलब होते हैं साधारण, कहीं अगर आग लग जाए ना हम फायर ब्रिगेड से उसको बुझा सकते हैं, लेकिन अगर जंगल में कहीं आग लगे, पानी में ही आग लग जाए, भैया ये सहज में बुझने वाले नहीं। उसी तरह हम भी अनादिकाल से भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लख योनि में भटक रहे, तन से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, पैसा से दुखी, संसार से दुखी, बीवी से दुखी, बेटा से दुखी, पड़ोसी से दुखी, मन से दुखी, तन से दुखी, दुखी 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 दुखी, दुखी। है इसका आग कैसे बुझेगी? बोले भगवान के नाम कीर्तन से। इसलिए बोले निर्वापनम, निर्वापनम मतलब क्या? जैसे कहीं आग लग गई, बुझा दिया, फिर तो आग लगने का चांस है ना, लेकिन अगर हरि कीर्तन करोगे, भगवान के नाम जप करोगे, फिर कभी भी दो बार संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। कृष्ण गीता में कहते हैं जतकत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, हे अर्जुन जहाँ जाने पर फिर दो बार तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, परम शांति परम आनंद केवल मेरे हरि नाम से मिलेगा। है इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए भव महादावाद निर्वापनम बोले श्रेय कहे वह चंद्रिका विकरण. उदाहरण दिया भगवान का नाम कैसे है, बोले एक चंद्रमा जैसे रात में एक फूल लिली फूल खिलती है, बोले ये चंद्रमा का किरण से ही वो फूल खिलती है. उदाहरण दिया भगवान का जो नाम है कहते ये चंद्रमा का किरण है, और हमारा जो हृदय है एक फूल है, लेकिन वो फूल अभी बुझा हुआ है, खिला नहीं. खिला नहीं मतलब क्या, तरह तरह का दुख कष्ट से हम तरह तरह का दुख कष्ट भोग कर रहे हैं. लेकिन अगर हृदय रूपी फूल को खिलाना चाहते मतलब जीवन में अगर आनंद पाना चाहते हो, क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, प्रभु का नाम जप से. इसलिए शंकर बता रहे थे ना, शंकर दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, हनुमान दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, माता देवी के हाथ में गगना माला दिन भर माला जप करती है, गणेश दिन भर नाम जप करते हैं, प्रहलाद ध्रुव दिन भर नाम ही जप करते हैं. ये जगत में उसको उतना ही प्रतिष्ठा, उतना ही जगत में जस है जो जितना भगवान के नाम जप करते हैं. इसलिए बोले हृदय रूपी कुमुद भर खिल जाए मतलब आनंद में भरपूर हो जाओगे. और विद्या बधु जीवनम, बोले विद्या रूपी जो बधु का जीवन क्या है, बोले भगवान का नाम. बोले मतलब क्या है, बोले मतलब है कोई एमए, कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर हैं, कोई तरह तरह का हम लोग डिग्री प्राप्त करते हैं. बोले भैया ये विद्या का जीवन स्वरूप क्या है, बोले भगवान का नाम. मतलब है अगर हमने सारे लेखा बड़ा सीख करके अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, सब जीरो है तुम्हारी, सारे लिखाई पढ़ाई तुम्हारी जीरो है. इसलिए मरते समय यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है. हम लोग तो सुई नाम से आए, देखना मरते समय कंधे पर जब ले जाते यही बोलते हैं, बोले बेटा जितने प्रभु का नाम जब किया ना वही जा रहे हैं, और तुमने जितना डिग्री फिग्री लिखाई पढ़ाई की सब यहीं पर रह रहे हैं, यहाँ से तेरे साथ में कोई डिग्री नहीं जाती है. देखो मैं अक्सर करके कथा सुनाता हूँ. बोले एक समय कुछ लड़के लोग नदी पार कर रहे थे नाव में बैठे करके. अब लोग सुरीनाम के होंगे जो नाव चलाने वाले साधारण लोग होते हैं, अभी वो नाव में कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, कोई सीए किए हुए, अभी वो नदी पार कर रहे थे नाव में बैठ करके. अभी जब बीच नदी, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब बीच नदी में नाव आ गई, जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछ रहा है, बोले भैया चार्ट अकाउंट के बारे में तेरे कुछ पता है, बोले भैया वो क्या चीज होता है, बोले नाव चलाते हो, बोले भैया हम तो नाव चला कर दो पैसा कमा करके पेट पालता हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं. बोले तुम्हारा तो 25% यूजलेस है, बेकार हो गया नाव. और थोड़ी दूर गया जो उसमें इंजीनियर था, नाव वाले से पूछा तुम इंजीनियर के बारे में तेरे कुछ पता, बोले इंजीनियर क्या होता है, बोले नहीं जानते, बोले नहीं, बोले तुम्हारा तो 50% जीवन गया, बेकार ही. और थोड़ी दूर गया जो डॉक्टरेट कर रहा था, बोले डॉक्टर के बारे में तेरे को कुछ पता, बोले डॉक्टर ने क्या होता है, बोले पता नहीं, बोले नहीं, बोले तुम्हारा तो 75% जीवन यूजलेस है. देखते देखते जब बीच दरिया में नाव पहुंची, नाव में एक छेद हो गया और नाव में तो पानी घुसना शुरू हो गया, नदी बड़ी लंबी चौड़ी, उसने देखा तो नाव डूबने वाला, नाव वाले ने पूछा तैरना आता है तुम लोगों को, बोले तैरना क्या चीज होता है, बोले तैरना नहीं जानते हो, बोले मेरा तो 75% जीवन यूजलेस गया था, तुम्हारी अभी 100% जीवन डूब जाएगा. अब उसको तो तैरना आता था ना, वो छलांग लगाया, नदी पार हो गया, जो सीए और एमए पीएचडी डॉक्टर ना सब कैसे डूब कर खत्म हो गए. इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया हम भी जगत में बड़ी बड़ी डिग्रियां हमें भी मिल गया, हम भी बहुत लिखे पढ़े सीख गए, लेकिन भैया अंतिम समय आएगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब ये शरीर छूटेगा ये जगत का कोई भी डिग्री तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, सारे डिग्री तुम्हारी यही रह जाएगी, केवल एक डिग्री साथ में चलेगी भगवान की भक्ति का डिग्री, भगवान की नाम केवल साथ में चलेगा. इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
हैं अंतिम समय में जितने हम भगवान की भक्ति करते हैं वही धन जाती है और जगत में सारे धन ही रह जाती है। बोले भैया वो धन कैसे? बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दीन दीन बड़ा तसवा पायो पायो मैंने राम रतन धन पायो पायो राम रतन धन पायो। यदि ऐसे का धन है वो चोर चोरी कर नहीं ले सकता है और लूटने वाले नहीं फूटने वाले नहीं खत्म होने वाले नहीं जो धन केवल बैठती है दीन दीन बढ़त सवाय जो धन केवल बैठती रहती है तो धन कभी घटती नहीं। धन इसलिए पहले मैं आपको सुनाया था जब श्रीमन महाप्रभु को भक्तों लोगों ने निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारी घर में आपका प्रसाद भोजन है। भगवान एक चीज शिक्षा देने के लिए कहा देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ बल्कि इसको घर में भोजन करेगी प्रभु बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो उसको घर में मैं भोजन करूंगा। बोले भैया हमारा घर में 100 रुपया भी नहीं 100 रुपया मतलब क्या 100 स्वर्ण मुद्रा हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं फिर हमारे घर में आप क्या खाना नहीं खाएंगे। तो महाप्रभु ने क्या बताया बोले जानते हो असली लखपति कौन है बोले कौन है बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं 1,00,000 ठाकुर जी की जो नाम जप करते हो असली लखपति है हैं वो असली लखपति है। इसलिए देखो हमारे इंडिया में कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो जाने अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे और टीवी में दिखाया करता था करोड़पति कौन बनेगा बोलता था करोड़पति कौन बनेगा कौन करोड़पति बनेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया लखपति कौन बनेगा अब तो देख लो लखपति कैसे बनोगे जैसे माला है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक मोती सारी करना ठीक है फिर दो बार बोल करके दो मोती तीन बार तीन मोती। देखो एक आप लोग तो जानते हो दो बार बोल देता हूँ कुछ नए भक्त है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 16 बार हो गया जब एक बार बोला इसको 16 बार हो गया इसमें 108 मोती हैं जब यहाँ समाप्त हो जाती हैं जैसे यहाँ पर जब समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करनी चाहिए इसको ऐसे घुमा देते घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर 16 माला कर लिया ना हो जाता है 25,000 अगर 64 माला कर लिया तो हो जाता है 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं किया आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसको ब्याज कितने मिलेगी इंटरेस्ट कितना मिलेगी। मीरा कहती है बोले दीन दीन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 या ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000 हीरो 4 दिन में 2,00,000 हीरो। लेकिन ये जगत का पैसा दुकान मकान घर मकान सब बना करके चले गए बस आंख बंद करते ही सारे यहीं धरा के धरा रह जाएगा एक सुई धागा भी हमारे साथ पर यहाँ से जाएगा नहीं है। इसलिए धन कमाना तो कौन सा धन कमाओ भगवान की नाम रूपी धन कमाओ। इसलिए संतों का कहना है 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो 1,000 काम छोड़ करके अपना काम करो लेकिन करोड़ों काम को पीछे रख करके पहले भजन करो करोड़ों काम को पीछे रख करके अपना भजन पहले करो क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है ये भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। बोले साधन था मोमक्ष करे द्वारा पाए न जेई परा लोक सवारा साधन था मोमक्ष करे द्वारा।
द्वारा भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझा रहे, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में जो शरीर मिला है, ये साधन धाम मतलब किया है, ये 84 लाख जन्म में एक ही जीवा भगवान हमें दिया, जिस जीवा से केवल कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हो, और कोई कृष्ण कृष्ण राम नाम नहीं बोल सकते, केवल दो ही हाथ दिए जिससे तुम भगवान की सेवा कर सकते हो, दो ही कान दिए जिसे कृष्ण कथा सुन सकते हो, एक ही हृदय दिया जिससे प्रभु का स्मरण कर सकते हो, दो चरण प्यार दिया जो घर से यहाँ तक सत्संग में आए, ये भगवान राम समझा रहे, कहते मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर में नहीं, मुक्ति की दरवाजा पर तुम खड़े हुए हो, लेकिन पाए न जय पर लोग सवार, लेकिन ये जीवन पा करके जो भगवान के भजन ने किया, फिर तो दूसरे जीवन में, फिर तो जन्म जन्मांतर के तुम भटकते रहोगे संसार में, फिर संसार से उद्धार नहीं होगा, इसलिए भगवान राम कहते हैं जीवन रहते रहते क्या करो, बोले हरे कृष्ण सब से बोलो एवरीबॉडी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए बोले विद्या बधो जीवनम, भगवान का जो नाम है सारे लिखाई पढ़ाई करने का सार्थकता तभी जब भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, और कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन है, कहते ये जगत में हर आनंद को देखना घटती है, कोई भी आनंद संसार में देखोगे बढ़ती नहीं, हर आनंद को देखना घटेगी, संसार में सारे आनंद को, नया घर बनाया कुछ दिन नया नहीं बाद में पुरानी हो जाता है, नया गाड़ी बनाई कुछ दिन बाद में अच्छी नहीं पुरानी लग जाती है, इसलिए जगत का हर आनंद को देखना घटती, एक रसगुल्ला खिलाओ है, एक केक खिलाओ, केक बहुत 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 बढ़िया, दूसरा काम ठीक है, तीसरा बोले ठीक है, बोले चौथा बोले और नहीं, अगर चौथा खा लिया ना पंचमा खाओ तो उल्टी हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी, जगत में कोई भी आप चीज देखना हर चीज धीरे 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 हर आनंद जगत में वो घटती रहती है, लेकिन भगवान का जो नाम है कभी आनंद घटेगी नहीं, वृंदावन हमारे जो बड़े गुरु जी थे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हैं, आप देखना दिन में 2-2 लाख हरिनाम करते थे, 2-2 लाख हरिनाम करते, किसी जगत में बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ जाए एक बार देख लो कैसे, अरे क्या बढ़िया है, दो बार देखो बोले ठीक है, तीसरा बार देख लोगे ना, पर चौथा बार बैठ कर देख भी नहीं सकते सिनेमा को, कोई भी जगत में हर चीज को देख लो धीरे धीरे हर आनंद धीरे धीरे घटेगा, कोई आनंद जगत में बढ़ेगी नहीं घटेगी, लेकिन भगवान का जो नाम रूपी आनंद है, रूप गोस्वामी कहते तुंडे तांडवी तुंडावली लगे, रूप गोस्वामी कहते भगवान हमें एक ही जीवा क्यों दे दिया, करो करो जीवा क्यों नहीं दिया, कृष्ण नाम में इतने मीठा इतने मधुर है, एक जीवा क्यों दे दिया है, दो ही कान क्यों दे दिया, अर्बुद खरबुद कान क्यों नहीं दिया, जब कृष्ण कथा कान में प्रवेश करता है लगता है अमृत गति धारा बरस रहे हैं, अमृत की धारा बरस रही है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान के नाम जप करने पर, भगवान की नाम जप करने पर एक दिन ऐसे दिन आएगा जिसमें पूरा आनंद में तुम डूब जाओगे, जो आनंद में पूरा गुजरा तुम डूब जाओगे, लेकिन एक समय एक व्यक्ति ने बड़े दुखी होकर सुइसाइड करने जा रहा था, बोले क्यों, बोले भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया, अगर सोने में भी हाथ लगाओ तो वो भी मिट्टी हो जाता है, भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया दुनिया, वो जा रहा था सुइसाइड करने के लिए, इतने में भगवान ही एक साधु बन करके भगवान आ गए, बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बोले सुइसाइड करने के लिए, बोले क्यों, बोले भगवान हमें कुछ दिया ही नहीं, सोने में भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता है, भगवान हमें दिया क्या, तब भगवान साधु बन करके आए थे, बोले भगवान तुम्हें कुछ नहीं दिया, बोले कुछ दिए ही नहीं, बोले देख बेटा तेरे को मैं 5 लाख हीरो देता हूँ, तुम ये हाथ को काट कर दे दोगे, 5 लाख हीरो दे रहा हूँ, एक हाथ काट करके तुम दे दोगे, बोले कैसे, मैं हाथ कैसे काट कर दे दूँ,
जो तुम बताए भगवान तेरे कुछ दिया ही नहीं, तुमको भगवान 1-5 लाख रुपया देने पर भी तुम एक हाथ काट कर नहीं दे सकते, भगवान कितना हाथ दे दिया है? 2 हाथ दिया है ना, हिसाब लगाओ कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख कितना, 10 लाख हो गया। बोले एक काम कर सकते हो, तुमको 1 लाख हीरो देता हूँ, एक अंगुल काट कर दे दो। बोले अंगुल कैसे काट कर दे दो? बोले अंगुल नहीं दोगे 1 लाख रुपए? बोले नहीं नहीं। बोले भगवान कितना अंगुल दिया हिसाब लगाओ तो, ऊपर में 10 अंगुल, नीचे 10 अंगुल, कितना हो गया? 20 अंगुल हो गया। हिसाब लगाओ कितना लाख हो रहा है। बोले एक काम करोगे? बोले क्या है? बोले एक प्यार मेरे को काट कर दे दोगे? तुमको 10 लाख हीरो दे रहा हूँ। एक प्यार काट दोगे? बोले नहीं नहीं, कैसे मैं प्यार कैसे काट दूं? बोले भगवान तुम्हें कुछ नहीं दिया ना, 10 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया ना। बोले एक किडनी मेरे को दे दोगे 50 लाख रुपया, मैं किडनी निकाल कर दे दूं? बोले कैसे दे दूं? बोले बेटा तू बता रहे थे भगवान तेरे को कुछ नहीं दिया, अगर इस शरीर को हिसाब करोगे ना, ये शरीर को अगर तुम हिसाब करोगे इतने कीमती है, जिसको भगवान राम कहते हैं, ये जो मानव शरीर बड़े भाग्यमान सतन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गाबा, भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर पाने के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी ये मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं, तभी उनको ये मानव शरीर नहीं मिलता है, देव दुर्लभ शरीर भगवान के है। इसलिए तुम कह रहे हो भगवान तुम्हें कुछ ही नहीं जानते, भगवान हिसाब करो तो पूरा शरीर को कितना हो रहा है। इसलिए गोस्वामी श्री सूरदास जी कहते हैं, देखो ये पद को हिंदी समझते हो? हिंदी कौन कौन समझते हो? हाथ उठाओ, हिंदी कौन कौन समझते हो? हाथ उठाओ, हिंदी कौन कौन समझते हो? देखो ये सूरदास की पद है। बोले जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिलखल कामी। हिंदी समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? बोले जिनी तनु देही, जिसने कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया है, ताही बिसराई, तुमने उसको ही बिसर करके मतलब भूल कर बैठ गए, जिसने तुम्हें ये मानव शरीर दिया। बोले कैसे नमक हरामी, नमक हरामी जानते हो? नमक हरामी, इसलिए कैसे नमक हरामी। बोले मौसम को न कुटिल खलकामी, मेरे जैसे कुटिल खल दुष्ट जगत में कौन हो सकता है, जिसने हमें ये मानव शरीर दिया तुम्हें तो उसको ही भूल कर बैठ गया। अगर कोई 100 यूरो हमें अगर जिंदगी में दिया होगा ना विपत्ति में, जिंदगी भर याद करेंगे, भैया हमने विपत्ति में 100 यूरो दिया था, हाँ जिसने तुम्हें ये मानव शरीर जीवन सब कुछ दिया, अब तुम उसको ही भूल कर बैठे थे? नहीं, इसलिए भले ही दुनिया को कभी भूल जाओ, क्यों दुनिया तुमको कुछ देने वाले नहीं है। देखो ये जगत में हम सबको कोशिश करते हैं सबकी सेवा करने के लिए, कोशिश करते हैं कि नहीं सबको हम सेवा करें, सबको खुश रखें। आप ये बताओ अभी तक दुनिया में आप किसको खुश कर पाए? अपना पति को खुश कर पाए ना, अपना बंधु को खुश कर पाए ना, दुनिया में अभी तक किसको खुश हुए आपके ऊपर में सेवा करते करते? जिंदगी भर सेवा कर, थोड़ी सी कोई भूल चुक हो गया जा, हो जाएगा ना, बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या किए, एकदम झट आंसर आता है जिंदगी भर तुमने की। लेकिन ये दुनिया अद्भुत दुनिया है, दुनिया में किसी को भी खुश तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे कन्हैया को देखो, हमारे कृष्ण को देखो, सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी थोड़ा साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं इसका ऋणी कब मैं उतारू, कब मेरे को मौका मिले जिसकी मैं ऋणी कब मैं उतारू, भगवान सोच रहे हैं। और भरी सभा में जब लाज जा रही थी, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके प्रकट हुए और सारा शरीर में लपट गए, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई है। इसलिए दुनिया देख रहे थे साड़ी की कोई नारी ना, नारी भी की कोई साड़ी है। इसलिए दुनिया हमें कुछ भी देने वाले नहीं, अगर कोई देने वाले है ना तो वाकई देगा, ठाकुर ही हमें देंगे, ठीक है ना। इसलिए संतों का कहना है 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1,000 काम छोड़ करके काम करो, और करोड़ों काम कर छोड़ कर क्या करो बोलो, करोड़ों काम छोड़ कर भजन करो, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके सवेरे अपना तिलक लगा करके सारे काम को पीछे रख लेना,
पीछे रख करके पहले भगवान की आरती उतारो, तुलसी परिक्रमा करो और माला लेकर के हैं, और माला लेकर क्या करो, बैठ करके थोड़ी समय भगवान की माला को जप करो, फिर दिन भर अपना काम करो ना, दिन भर ठाकुर को सेवा मान करके सारे काम करो, पैसा कमाओ, क्यों ठाकुर को ईरो के बगैर जीरो है, इसलिए ईरो के बगैर भगवान की सेवा नहीं होगा, इसलिए इसी भाव से रसोई बनाओ, ठाकुर जी के लिए बना रहे, घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे, चलो भगवान की मंदिर में, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए जो कुछ करो भगवान को सेंटर में रख करके सारे काम अगर हम करेंगे बस काम ही बनेगा। भक्ति कोई कठिन चीज नहीं है, भक्ति सबसे सरल है, सबसे सरल प्रभु का भक्ति, सब कुछ करे, किसको छोड़ने का जरूरत नहीं, लेकिन भगवान को सेवा को साथ में हर चीज को पूरा जोड़ दो, केवल भक्ति में सेवा में भगवान को केवल जोड़ दो, और कुछ करने का जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वही कर, जो खा रहे हो वही खा, जो कर रहे हैं वही कर, लेकिन भगवान की भक्ति में ये चीज छोड़ दो। इसलिए ये हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए तभी जीवन में हैप्पी हो सकते हैं, इसलिए स्वामी महाराज जो हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, जो हिप्पी थे ना उनको हैप्पी बना दिया, बोले क्यों, बोले केवल कृष्ण नाम में जुड़ गए, केवल भगवान के नाम में जुड़ गए, भगवान की भक्ति में जुड़ गए। देखो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हो, जानते हो ये पहले कोई हिप्पी थे, पहले सब हिप्पी थे, ड्रग्स लेकर के शराब पी करके दिन भर पड़े रहते थे, ये पड़े रहते पागल जैसे पड़े रहते थे, लेकिन स्वामी महाराज केवल वहां पर गए और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल भगवान के नाम जप किया, केवल इन लोगों ने भगवान के केवल नाम सुन करके, हाँ भगवान के नाम में इतने शक्ति ठाकुर का नाम में, ये सब हिप्पियों को हावी बना दिया, और अपने आप उनकी ड्रग्स छूट गया, गंजा छूट गई, शराब छूट गई, मांस मदिरा सब अपने आप छूट गया, हाँ अपने आप। इसलिए आप क्या करो, भगवान की नाम का जप करो, देखना भगवान के नाम जप करने पर भगवान का नाम इतने शक्ति, सारी चीज अपने आप ही छूट जाएगी, सारी चीज अपने आप छूट जाएगी, एक दिन वास भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसलिए ये हैप्पी न्यू ईयर है, अगर जीवन में सचमुच से हम हैप्पी होना चाहते हैं, ये दुनिया की कोई भी वस्तु, लेकिन हमारी एक धारणा है शायद ज्यादा पैसा कमाने पर हैप्पी खुशी हो जाएंगे, भैया रावण जैसे कितना पैसा किसको हो सकता है, सोने की लंका है, सोने की लंका। हम सोचते हैं अगर किसी अच्छी छोरी से शादी कर लेना, किसी सुंदर किसी लड़की से, शायद खुशी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम था मंदोदरी, आपको पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है, मंदोदरी मतलब क्या, मंद मतलब होता है पतली कमर, उदर मतलब जिसका कमर बहुत पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी थी, विश्वकर्मा आर्किटेक्टर है, उसने उसकी बेटी, उसने सारे सद्गुण दे करके मंदोदरी को उसने बनाया था, इतने सुंदरी। और रावण को तो जहां से सुंदरी मिली, स्वर्ग लोक में क्यों नहीं हो, जहां से सुंदरी लड़की मिली, जो जबरदस्ती ला करके उसने शादी किया था, एक से एक सुंदरी उसके पास में पत्नियां थी, हैं बेटा कैसे था, बोले मेघनाथ। अब रामायण देखे ना, मेघनाथ देखे होंगे, इतने इंद्र जीत, इसने इंद्र को जीता, और इतने प्रताप था, राम को भी लक्ष्मण को नाग पास बंधन में बांध दिया, पिता के लिए जीवन को बलिदान दे दिया, उसको पास में इतने ऐश्वर्य, इतने घर दुकान बुका, बेचैन, कोई शांति सुख नहीं था, सारे को सारे लंका बेचैन थे, लेकिन एक व्यक्ति चैन से जीत रहा था, बता सकते कौन चैन से जीत रहा था, कौन बोला, बाबा सब पंडित बैठे हैं, अच्छी बात है, हाँ ये, इसलिए केवल वहां पर एक चैन से जी रहा था, एक विभीषण केवल चैन से जी रहा था, बोले क्यों, कारण है भगवान की भक्ति करता था, भगवान की भजन करता था, वही चैन से बेचैन से रह रहे थे। इसलिए शिक्षा देते हैं, अगर हम भी चैन में रहना चाहते हैं, अगर बेचैन से नहीं, अगर चैन में रहना चाहते हो, क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम जप करो, इसी से ही हम जगत में, हम चैन में तभी रह सकते हैं, ठीक है ना। एक और हाथ उठा कर बोलो,
बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बार जोर करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कर देते ना। हाँ देखो आप सबको स्वागत है क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर डे में पता नहीं कौन कहाँ कहाँ पर अपना दोस्तों के साथ में पार्टी मनाते होंगे, लेकिन आप लोगों ने सत्संग में आए हो, भगवान की कथा में आए हो, इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही असंकत सोई। कौन कह रहे हैं? शंकर जी। शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। कह रहे हैं किसको? पार्वती को। पार्वती कौन है? जगदम्बा जगत जननी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग में कौन आ सकते हैं? बोले वही आ सकते हैं पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई। भगवान की दो तरह का कृपा, एक तो घुमा फिरा करके और एक डायरेक्ट कृपा है। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए, हैं घुमा फिरा कर नहीं डायरेक्ट कृपा हो जाए, तभी जीवन में ये सत्संग में भगवान कथा में पार्वती तभी आ सकते हैं। इसलिए जब हम आ रहे थे ना वहां पर देखा कुछ गाड़ी खड़ी हुई और विजय और हमारे शशिकला, हम सोच रहे थे शायद आज कुछ कोई नहीं आएगा क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर डे ना, सब अपना अपना दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए होंगे। हाँ लेकिन यहाँ पर देखा कुछ गाड़ी खड़ी, मतलब लगता है कुछ भक्त लोग आए हैं, भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जिसको अगर में ठाकुर का विशेष कृपा हो तभी जीवन में ये सत्संग में आ सकते आ पाएंगे। लगता है आप सबके ऊपर में है भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की आशीर्वाद है, तभी आप लोगों ने इस संसार के सारे सुख को छोड़ करके आनंद को छोड़ करके आप लोगों ने सत्संग में आए। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी आप सबको ऊपर में कृपा करें, ठाकुर जी सबको ऊपर में आशीर्वाद दें। आप लोग खूब भजन करो और जीवन में खूब शांति और जीवन में खूब सुख को साथ में अपना जीवन में बिताओ। ठीक है अभी क्या करें? अभी आरती करेंगे ना, करना आरती है, लगा आरती है जितना श्री भक्ति विनोद श्रीधर महाराज की जय। So, we gaan nu over naar het volgende programma, onderdeel. Dat is aarti. Dus ik wil even iedereen vragen om op te staan. Gisteren hebben heel veel mensen gefeest voor het nieuwjaar. En vandaag zullen we dat ook op een spirituele manier doen. De mensen die al bekend zijn met ons. En bekend is met Maharaj, hij houdt van hele feestelijke aartis. Waar heel veel vreugde en gedans en gezang mee gepaard gaat. Dus ik wil vragen of jullie even de stoelen ook opzij kunnen schuiven. Een beetje opzij wat meer ruimte kunnen creëren. Zodat wij vandaag het jaar op een vreugdige manier, op een hele gunstige manier, waar de kwaadstukkaal staat, zijn naam met z'n allen gaan reciteren in de muziek van, in de vorm van kirtan, samkirtan. En dat we dan ook de genade kunnen krijgen van Mahaprabhu. Dat zijn met gezellig. En dit jaar een succesvol spiritueel jaar van te maken. Maar als je vandaag gegeven gezin hebt, vandaag over een naam dat al gesproken heeft. Als iemand geïnteresseerd is om een mala van hem persoonlijk te krijgen, dan is dat ook mogelijk. Maar dan belt je even, dan even na het programma even aan. Dan kunnen we erover hebben. आरती कौन करेगा? आरती स्टार्ट कर। हरी बोल हरी बोल। मृदंग ले लो। हाँ कहा था हरी बोल। जया जय गोरा आरती को सो
Thank you.
Radhe Gopal, Sri Radhe Gopal.